अगर आपका भी कोड डिलीट हो गया है और आपने गलती से वीएस कोड को बंद कर दिया है और फिर उसको कंट्रोल जेड करके वापस नहीं ला सकते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे डिलीटेड कोड को वापस ला सकते हैं। बहुत ही आसान है। वीएस कोड में अगर आप लोग एडिटिंग कर रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बड़े आराम से हम लोग डिलीटेड कोड को वापस ला सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक। ये मेरा एकदम रेडी है, बढ़िया अच्छे से काम कर रहा है सब कुछ। देखो एकदम से यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँगा तो ये देखो सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, गलती से मैंने ये स्टाइल्स के अंदर जो भी सीएसएस मेरा लिखा था मैंने उसको डिलीट कर दिया, ठीक। उसको डिलीट कर दिया। अब मैं चाहूँ तो कंट्रोल जेड कर सकता हूँ। अभी मैंने डिलीट किया था क्योंकि मेरा वीएस कोड ओपन है अभी, तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर सकता हूँ। लेकिन मान लो मैंने इसको डिलीट करके वीएस कोड बंद कर दिया, अब क्या होगा? अब देखो वापस से अगर मैं ये प्रोजेक्ट पे देखूं तो ये मेरा प्रोजेक्ट ऐसा हो गया, बहुत सुंदर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर मैं फिर से वीएस कोड को ओपन करूं, ठीक, अगर मैं इसको वीएस कोड को फिर से ओपन करता हूँ और फिर से मैं कंट्रोल जेड करने की कोशिश करता हूँ तो ये आ नहीं रहा है। देखो मैंने किया कंट्रोल जेड, और अगर मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा फिर से, तो ये देखो मेरा प्रोजेक्ट हो गया है कुछ ऐसा और कोड जा चुका है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो हम लोग गिटहब यूज़ करते हैं, फिर कमिट करते हैं वहाँ पे, तो हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं पुराने कोड में। लेकिन आप नए नए अभी स्टार्ट किए हैं सीखना, ठीक, आपको गिटहब नहीं आता, आप गिटहब नहीं यूज़ करते हैं, तो फिर डिलीटेड कोड को आप कैसे वापस लेके आएंगे? चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ पर इस जो भी ये फोल्डर का है इसको कोलैप्स कर दो एक बार, ठीक। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर जो भी है उसको कोलैप्स करो, यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आओ, ठीक। फाइल सेव्ड यहाँ पे आएगा 36 सेकेंड्स अगो, फिर उसके अंदर अंडू रीडू, ठीक। मतलब ये हमारा क्या है ना, ये टाइमलाइन, देखो जो भी हमारी फाइल खुली थी उसका ये पूरा टाइमलाइन है, कब तुमने सेव किया, कब डिलीट किया, क्या चेंज किया। तो तुम एकदम पास्ट में जाके इसको वापस ला सकते हो। देखो मैं यहाँ पे गया ना तो ये दिखा रहा है पुराना, पहले तुम्हारा कोड ऐसा था, ठीक। फिर मैं इस पे एरो क्लिक कर दूंगा, मेरा पूरा कोड आ गया। वाह, बहुत औसम है ये, ठीक। तुम्हारा कभी भी कोड डिलीट हो जाए तो मैं से ही पूरा कोड वापस ला सकते हो। एक डिलीट हो गया, तुमने वीएस कोड बंद कर दिया, फिर इसको तुम वापस ले आए, ठीक। तो ये केवल इतना ही नहीं, केवल डिलीट करने पे नहीं, तुम जब जब चेंज करते हो, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ ऊपर से चल के यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर एचटीएमएल के ऊपर ये पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक। पूरा मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं एक बार फिर से वीएस कोड बंद कर देता हूँ, ठीक। अब देखो मेरा ये ऐसा हो गया, ठीक, उतना डिलीट करने से ये ऐसा हो गया, पूरी वेबसाइट ऐसी हो गई। तो अब मैंने फिर से वीएस कोड बंद कर दिया, अब कंट्रोल जेड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं वीएस कोड मैं फिर से ओपन करूँगा, ठीक। और फिर ये नॉर्मली हम लोग का ये फाइल एक्सप्लोरर खुला रहता है, ठीक, तो हम वो फाइल सेलेक्ट करेंगे जिससे मेरा हमारा कोड डिलीट हुआ था, तो ये स्टाइल डॉट सी एस एस से डिलीट हुआ था। तो यहाँ पर मैं एक्सपैंड करूँगा इसको, ठीक। एक्सपैंड करके ये देखो ये सेव्ड फाइल यहाँ पे दिखा रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर जाना है तो ये दिखा रहा है ये सेव होके ऐसा हुआ था इस टाइम पे, ठीक। फिर उससे पहले देखोगे तो दिखा रहा है इतना चीज, बस इतना कोड का इतना सा पार्ट डिलीट हो गया है। तो इसको बस तुम एरो क्लिक कर दोगे, तुम्हारा कोड आ गया। ऑसम, बढ़िया, ये तो मजा आ गया एकदम से, बहुत मस्त चीज है ये, ठीक। तो आप लोग भी इसका यूज करिए, ठीक। ये सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, एच टी एम एल किसी भी फाइल के साथ काम करेगा, ठीक। कोई भी फाइल हो, जैसे कि ये है script.js, यानी कि जावा स्क्रिप्ट फाइल है, इसमें भी ये है। तो आप जब कोडिंग, जैसे ही एक वीएस कोड के अंदर आप फोल्डर बना के कोडिंग स्टार्ट करते हैं, उसका एक पूरा एक टाइमलाइन बनता चला जाता है, कब आपने सेव किया, कब एडिट किया, कब रीडू किया, कब अंडू किया। तो आप पास्ट में जाके कभी भी कोई भी पीस ऑफ कोड उतने को ही आप चाहें तो ऐसे एरो पे क्लिक करके उसको वापस ला सकते हैं, चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सीधा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।